नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 GDS का फॉर्म जिसने भी भरा था, अब उसका रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप मेरा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरकारीरिजल्ट.com का वेबसाइट खुला है और यहाँ रिजल्ट के ऑप्शन पे इंडियन पोस्ट GDS का रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इस वाले लिंक पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट GDS रिजल्ट। अभी सभी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ असम और उत्तराखंड का ही रिजल्ट आया है अभी। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट को। तो रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में आके सरकार रिजल्ट लिखना है और सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे जाके रिजल्ट वाले ऑप्शन पे देखिएगा तो यहाँ इंडियन पोस्ट GDS का रिजल्ट दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जो कि कल ही 15 जून 2022 7:05 पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन पोस्ट की ओर से कि रिजल्ट असम और उत्तराखंड का निकल चुका है। आप इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो 2/5/2022 से भरा सबमिट होना आरंभ हुआ था। उम्मीद करते हैं कि सभी राज्यों का रिजल्ट जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। पर चलिए असम और उत्तराखंड के रिजल्ट की जानकारी देखते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है डाउनलोड रिजल्ट असम और उत्तराखंड। तो यहाँ आप जिस भी असम का चाहते हैं तो असम पे क्लिक कीजिए तो कुछ इस प्रकार आपका इंटरफेस सामने देखने को मिलेगा और उसके बाद उसका PDF खुल जाएगा। अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो ये 3 डॉट वाले आइकन पे जाकर, ये 3 डॉट वाले आइकन पे जाकर आप यहाँ अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ ये 3 डॉट वाले आइकन पे जाना है और अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव डिवीजनल हेड इन कनेक्शन विथ GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट साइकिल 4th असम सर्कल, जो कि असम वालों का रिजल्ट निकल चुका है। अब इन लोगों को GPO जाकर 30/06/2022 तक अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा लेना है। जैसा कि आप स्क्रॉल करते के साथ देख सकते हैं, इन सभी का रिजल्ट आ चुका है अब सामने। इस बार के रिजल्ट में परसेंटेज नहीं दिया गया है, सिर्फ आप यहां चेक कर सकते हैं सीरियल नंबर, डिवीजन और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं और यहां पर कैंडिडेट नेम से भी आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम है, जेंडर है, कम्युनिटी है, जिस जो भी आप EWS में OBC में आते हों उसे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विथ है, यहाँ पर इस तरह स्क्रॉल करने पर नीचे आते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या नोटिफिकेशन है। नीचे आने के बाद यहाँ लिखा है कैंडिडेट प्लीज रेफर टू नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन पारा 21(3). SMS ईमेल विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस। हाउ यूर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नन रेस्पेक्ट ऑफ द SMS ईमेल ड्यू टू टेक्निकल रीजन्स। मतलब जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों को SMS उनके मोबाइल नंबर पे चला गया है और ईमेल ID से भी उनको सूचित किया जा चुका है, इसलिए वे अब 30/06/2022 तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले GPO जाकर। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। अब अगर सभी स्टेट का रिजल्ट आता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें।